आज हम बात करेंगे मौर्य सम्राट अशोक के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा नाम अशोक बिंदुसार मौर्य, जन्म 304 ईसा पूर्व, संभावित पाटलिपुत्र, पटना। पिता का नाम राजा बिंदुसार, माता का नाम महारानी धर्मा सुभद्रांगी। पत्नी रानी पद्मावती, दिशारक्षा महारानी देवी करुण की। बच्चे कुणाल, महिंदा, संघमित्रा, जालुक, चारुंती, तिवाला वंश, मौर्य वंश। मृत्यु 232 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र, पटना। सम्राट अशोक का इतिहास। इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धाओं में से एक सम्राट अशोक करीब 304 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते के रूप में बिहार के पाटलिपुत्र में जन्मे थे। हालांकि इनके जन्म की तारीख के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार और माता सुभद्रांगी के पुत्र थे। अशोक के पिता की लंका की परंपरा के मुताबिक करीब 16 पटरानियां और 101 पुत्र थे। वहीं उनके 100 पुत्रों में से केवल अशोक, कृष्ण और सुशीम का ही उल्लेख इतिहास के पन्नों में मिलता है। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य, राजा प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय था। वे मौर्य साम्राज्य के तीसरा निडर और निर्भीक राजा माना जाते थे। वहीं ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक को एक कुशल और महान सम्राट बनाने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आचार्य चाणक्य ने उनके अंदर एक महान शासक के सारे गुण विकसित किए गए थे। सम्राट अशोक का शासनकाल एवं विशाल मौर्य साम्राज्य का विस्तार। जब अशोक के बड़े भाई सुशीम अवंती की राजधानी उज्जैन के प्रांतपाल थे, उसी दौरान अवंती में हो रहे विद्रोह में भारतीय और यूनानी मूल के लोगों के बीच दंगा भड़क उठा, जिसको देखते हुए राजा बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, जिसके बाद अशोक ने अपनी कुशल रणनीति अपनाते हुए इस विद्रोह को शांत किया, जिससे प्रभावित होकर राजा बिंदुसार ने सम्राट अशोक को मौर्य वंश का शासक नियुक्त कर दिया गया। अवंती में हो रहे विद्रोह को दबाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद सम्राट अशोक को अवंती प्रांत के वायसराय के रूप में भी नियुक्त किया गया था। वहीं इस दौरान उनकी छवि एक कुशल राजनीतिज्ञ योद्धा के रूप में भी बन गई थी। इसके बाद करीब 272 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार की मौत हो गई। वहीं इसके बाद सम्राट अशोक के राजा बनाए जाने को लेकर सम्राट अशोक और उनके सौतेले भाइयों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इसी दौरान सम्राट अशोक की शादी विदिशा की बेहद सुंदर राजकुमारी शाक्या कुमारी से हुई। शादी के बाद दोनों को महेंद्र और संघमित्रा नाम की संतानें भी प्राप्त हुई। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक 268 ईसा पूर्व के दौरान मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए करीब 8 सालों तक युद्ध लड़ा। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ भारत के सभी उपमहाद्वीपों तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि भारत और ईरान की सीमा के साथ साथ अफगानिस्तान के हिंदूकश में भी मौर्य साम्राज्य का सिक्का चलवाया। इसके अलावा महान अशोक ने दक्षिण के मैसूर, कर्नाटक और कृष्ण गोदावरी की घाटी में भी कब्जा किया। उनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र मगध, आज का बिहार, और साथ ही उपराजधानी तक्षशिला और उज्जैन भी थी। इस तरह सम्राट अशोक का शासन धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और उनका साम्राज्य उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य बना। हालांकि सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का विस्तार तमिलनाडु, श्रीलंका और केरल में करने में नाकामयाब हुआ। अशोक और कलिंगा घमासान युद्ध। तकरीबन 261 ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धा सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग वर्तमान ओडिशा राज्य पर आक्रमण कर दिया और इसके खिलाफ एक विध्वंसकारी युद्ध की घोषणा की थी। इस भीषण युद्ध में करीब 100,000 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या सैनिकों की थी।
इसके साथ ही इस युद्ध में करीब 1.5 लाख लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस तरह सम्राट अशोक कलिंग पर अपना कब्जा किया। सम्राट अशोक के बारे में कुछ दिलचस्प एवं रोचक तथ्य। अशोका के नाम अशोक का अर्थ दर्द रहित और चिंता मुक्त होता है। अपने आदेश पत्र में उन्हें प्रियदर्शी एवं देवानामप्रिय कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोका का नाम अशोक के पेड़ से ही लिया गया था। आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री इस किताब में अशोका में बारे में ये लिखा है कि इतिहास में अशोका को हजारों नामों से जानते हैं, जहां जगह जगह पर उनकी वीरता के किस्से उल्लेखित हैं, उनकी गाथा पूरे इतिहास में प्रचलित है। वे एक सर्वप्रिय, न्यायप्रिय, दयालु और शक्तिशाली सम्राट थे। लोकहित के नजरिए से यदि देखा जाए तो सम्राट अशोक ने अपने समय में न केवल मानवों की चिंता की बल्कि उन्होंने जीव मात्र के लिए भी कई सराहनीय काम किए हैं। इसलिए सम्राट अशोक को हिंसा, शांति, लोक कल्याणकारी नीतियों के लिए एक अतुलनीय और महान अशोक के रूप में जाना जाता था। सम्राट अशोक को एक निडर एवं साहसी राजा और योद्धा माना जाता था। अपने शासनकाल के समय में सम्राट अशोक अपने साम्राज्य को भारत के सभी उपमहाद्वीपों तक पहुंचाने के लिए लगातार 8 वर्षों तक युद्ध लड़ते रहे। इसके चलते सम्राट अशोक ने कृष्ण गोदावरी के घाटी, दक्षिण में मैसूर में भी अपना कब्जा कर लिया, लेकिन वे तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका पर शासन नहीं कर सके। सम्राट अशोक की कई पत्नियां थी, लेकिन सिर्फ महारानी देवी को ही उनकी रानी माना गया था। कभी हार नहीं मानने वाले सम्राट अशोक एक महान शासक होने के साथ साथ एक अच्छे दार्शनिक भी थे। भारतीय इतिहास के अद्वितीय शासक अशोक ने लोगों को शिक्षा के महत्व को समझाया एवं इसका जमकर प्रचार प्रसार भी किया। आपको बता दें कि उन्होंने अपने जीवन काल में 20 से ज्यादा विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। मौर्य वंश में 40 साल के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट अशोक ही एकमात्र शासक थे। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के एक ऐसे योद्धा थे जो अपने जीवन काल में कभी हार का सामना नहीं किया। महान शासक सम्राट अशोक का अशोक चिन्ह आज के गौरवमयी भारत को दर्शाता है। सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करने एवं भगवान बुद्ध के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने अपने सिद्धांतों को धम्म नाम दिया था। सम्राट अशोक की मृत्यु। सम्राट अशोक ने करीब 40 सालों तक मौर्य वंश का शासन संभाला। करीब 232 ईसा पूर्व के आसपास उनकी मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश का साम्राज्य करीब 50 सालों तक चला। तो दोस्तों, आज हमने मौर्य सम्राट अशोक के बारे में जाना। ऐसी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।